चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। वन लाइनर में देख रहे हैं हम लोग ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़ है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? फेरा का। अगला है किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एट ए क्रॉस रोड्स एट ट्रेड सिक्योरिटी एन इक्वल वर्ल्ड शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 170 देशों के मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई। इसका आकलन किन सूचकांक के आधार पर किया गया? तो जीवन प्रत्याशा साक्षरता प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला है योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं वहीं अंतरराज्यीय परिषद संविधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है नाम शब्द प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूले पैटर्न डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किससे परिभाषित किया गया? तो यह ट्रेड सीक्रेट। अगला है किस अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मूल्यों के मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है तो इसे मुद्रा स्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रा स्फीति क्या कहलाती है? मांग फिर मुद्रा स्फीति। अगला है केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? अगला है हमारा प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में सिक्के से घटाना होता है तो यह सकल ब्याज भुगतान। अगला है CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो यह 3% तथा 15%। अगला है संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में किस तिथि से लागू हुआ है? तो 12 अक्टूबर 2005 से। अगला है किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? स्वर्ण आभूषण। अगला है मुद्रा एवं वित्त का पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI। अगला है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी? तो 2020। अगला है एंट्री गेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। अगला है हमारा मॉस्टिच संधि का मुख्य उद्देश्य है यूरोप का एकीकरण। अगला है कपार्ट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला है हवाला क्या है? तो यह विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। अगला है हमारा राहुल किला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? यह जर्मनी है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। अगला है हमारे वर्तमान थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1993-94। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ? 12 अप्रैल 1988। अगला है एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? नई दिल्ली। अगला है भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ANZ
प्रेंडिलीज बैंक। अगला है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवाओं के क्षेत्रों का। अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है GNP घिसावट। अगला है, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक हैं JR Hicks। अगला है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक। अगला है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? UK। अगला है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 1993-94। अगला है, भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो ये नेशनल सैंपल सर्वे संगठन द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। अगला है, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? महंगा। अगला है, गेसम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को विचलन से बाहर कर देती है। अगला है, मजदूरी का लोहे सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। अगला है, मुद्रा स्फीति बढ़ने से लाभ होता है रेडी को। अगला है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृति के लेखक कौन है? एडम सिसु। अगला है, ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? मौद्रिक व्यवस्था का। अगला है, भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, वेट लगाया जाता है तो उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। अगला है, मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। अगला है, देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का जन्म दिवस 29 जून को अब किस रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के NASDAQ 100 सूचकांक में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है इंफोसिस। अगला है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 12। अगला है, भारत में सबसे पहली बार बजट कब पेश किया गया? 25 अगस्त 2005 को आउटकम बजट। अगला है, भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो यह एक सलाहकारी संस्था है। अगला है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क। अगला है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? राष्ट्रीय है। अगला है, औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। अगला है हमारा, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार सहभागिता दर है 39.1%। अगला है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। अगला है, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? JR Hicks। अगला है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? UK। अगला है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय केलकर। अगला है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा। अगला है, बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बैलों की पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। अगला है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। अगला है, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक है हिक्स। अगला है, शून्य आधारित बजट है काश है व्यय की प्रत्येक मत पर स्वीकार करना की वह नई हो। अगला है, मुद्रा स्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? रेडी को। अगला है, भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? रिजर्व बैंक द्वारा। अगला है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। अंगला है, ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो यह बैंकिंग व्यवस्था का। अगला है, मजदूरी का लोहे सिद्धांत कहलाता है मजदूरी
का जीवन निर्वाह सिद्धांत, मतलब भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप में तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस पी गुप्ता। अगला है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970-71 में। भारत सह शताब्दी जमाए अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। अगला है, विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत कौन सा स्थान पर? दूसरे। अगला है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। अगला है, माहेला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में? केरल में। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 थी। अगला है, आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टॉव ने। अगला है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? मौसमी, आदर्श, अल्प रोजगार। अगला है, आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? केंद्र सरकार द्वारा। अगला है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो J.M. Keynes। अगला है, भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वालों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। अगला है, निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर टायरा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया? जेट एयरवेज ने। अगला है, शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक है PA Fire। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? वेटन बोर्ड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। अगला है, फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। अगला है, भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? ए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिससे आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? चीन ने। अगला है, निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। अगला है, राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। अगला है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित भारत की जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। अगला है, योजना आय का उपाध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति। अगला है, किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करती है? वित्त विधेयक द्वारा। अगला है, वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। अगला है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में। अगला है, मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रायोजन से किया गया था? तो यह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। अगला है, महान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। अगला है, डवा कारा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम से। अगला है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था करते हैं आगम से अधिक खर्च, आय से ज्यादा खर्च। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया? तो फ्रीडमैन ने। अगला है, पीवल प्रयास सिद्धांत संबंधित है आर रोडान से। अगला है, भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? द्वितीय योजना। अगला है, कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारी प्रकाशित करता है? तो ये अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। अगला है, भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? विभागीय उद्यम। अगला, बैंक दर वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है। अगला है, भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई? 1948 की नीति में। अगला है, मूल्य वर्धित कर लागू होता है उत्पाद शुल्क पर। अगला है, भारत में किस वर्ग में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? 1957 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों के बाकी भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। अगला है, वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है अनुपातिक कर।
अगला है हमारा वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अगला है केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग। अगला है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है? गैसम का। अगला इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। अगला है अवमूल्यन का अर्थ होता है तो इसका होता है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी। अगला है म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल अधिकार है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा। अगला है योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन? 2100। अगला है निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन संगठन एकत्रित करता है? NSSO। अगला है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। अगला है संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय। अगला है व्यापारिक बैंकों के लिए SLR वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास तरल रूप में रहते हैं। अगला है मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो है हार्टले विदर्स ने। अगला है भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। अगला है यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट व अशांति का कारण बन सकती है? रॉबर्टसन। अगला है केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ब्याज भुगतान। अगला है नरेगा वर्तमान में योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2008 को। अगला है भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2004 में। अगला है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अगला किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति ने। अगला आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का। अगला भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन है? हिरडा। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। अगला बैंकिंग में ATM का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। अगला औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अगला राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में। अगला राउल किला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से। अगला 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? 16.7%। अगला बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास MP में। अगला ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है? वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो ना ही हानि हो रही है। अगला बैंकिंग में साखपात का क्या अभिप्राय है? तो कृषि बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसी अधिवचन कि वह दी गई तारीख को अदा तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। अगला 1991 से 2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? मुस्लिम में। अगला 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया? सिख धर्म में। प्रति 1000 पुरुष पर 109 महिलाएं। अगला विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? UNCTAD द्वारा। अगला कपास उत्पादन विश्व का अग्रणी देश है? मिस्र इजिप्ट। अगला भारत में पहली गरीबी रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? सहरसा और अमृतसर के बीच।